डेली पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों का प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं आज सूबे भर दिया कुछ खास खबरां लैके हाजिर हाँ जी। खबरां नूं शुरू करन तो पहला साढ़े चैनल नूं कर लवो सबसक्राइब अते नाल दे नाल बैल आइकन दबना भी ना भुलना। हाँ जी, दिन की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के कलेश विचाले फुलका ने लिखी नवजोत सिंह सिद्धू नूं चिट्ठी की यह वड्डी मंग। हाँ जी, दादे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एच एस फुलका ने एक बार फिर साबका नवजोत सिंह सिद्धू नूं चिट्ठी लिख के वंगारिया है। हाँ जी, दादे के फुलका ने चिट्ठी लिख के कीती के यह अपने कार्यकाल दौरान तैयार की रेत माफिया की रिपोर्ट नूं जनतक करन। उन्हें कहा कि हुण समा है कि जो हर तरह के माफिया खिलाफ तैयार कीतियां रिपोर्टां जनतक कीतियां जाण तां कि लोगों को पता लग सके कि आखिर सूबे विच किस दा राज है। हाँ जी, दादी के फुलका के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू ने 2017 विच सिद्धू रेत माफिया ते काबू पाउण लई कारपोरेशन बनाउण दा सुझाव दिता सी। हाँ जी, दादी के सिद्धू ने एक रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दित्ती सी, पर अफसोस है कि सरकार दा कार्यकाल खत्म होण वाला है पर उस रिपोर्ट उपर अजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं कीती गई। हाँ जी, दादी के उन्हें आख्या है कि कांग्रेस ने चोणां तो पहला रेत माफिया खत्म करन दा दावा कीता सी, पर अफसोस कांग्रेस सरकार आउण तो बाद रेत माफिया होर वध्या फुल्या है। हाँ जी, दादे कि उन्हें कहा है कि रेत माफिया रोकण लई सरकार कारपोरेशन बनाउण बेहद जरूरी है अते अगों प्राइवेट पार्टियां नूं रेत दी माइनिंग दी इजाजत देण दे बजाए सिर्फ यह सरकारी कारपोरेशन दी रेत दी खनन करे। हाँ जी, उन्होंने आख्या है कि सरकार दे सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, लिहाजा सरकार नूं पिछलियां चोणां विच कीते वादे नूं पूरा करन लई कारपोरेशन बनाया जाए। हाँ जी, दादी के फुलका ने सिद्धू नूं आख्या है कि पंजाब दे लोकां नूं उन्हां कोल बहुत उम्मीद है। फुलका ने नवजोत सिंह सिद्धू तेलंगाना दी फेरी दे बारे भी हवाला दिता है। हाँ जी, ये साड़ी खबर इत्थे ही समाप्त होंदी है जी। मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।